अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी के लिए मैंने टमाटर को वॉश कर लिया है और एक पैन में डाल दिया है। अब फ्लेम मैं ऑन कर दिया मैंने, और लेकिन ये स्लो फ्लेम में गलेगा, सही है। इसे मैं स्लो फ्लेम में डालूँगी। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, ऑयल स्किप भी कर सकते हैं। मैं डालती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि ऑयल हल्का सा हो। तो अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन, साबित लहसुन, क्योंकि टमाटर और लहसुन दोनों को मैं रख दूंगी गलने के लिए। ये देखिए, मैं साबित लहसुन मैंने डाल दिया इसमें। अब मैं इसे क्या करूंगी, कवर कर दूंगी ताकि ये 5 मिनट में ये गल जाएगा अच्छी तरीके से। जो मेरे चैनल में न्यू है, वेलकम टू माई चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखें, टमाटर और लहसुन अच्छी तरीके से गल गया है। अब मैं इसकी टमाटर की स्किन निकालूंगी, और इस टमाटर की स्किन गर्म में ही निकालनी चाहिए, इजली निकल जाती हैं। ये देखें, ये लहसुन मुझे जैसे ब्राउन चाहिए था वैसे ही ब्राउन है। अब मैं टमाटर की स्किन निकाल के मैं आपको दिखाऊँगी कि गरम गरम में टमाटर की स्किन निकालने से प्रॉपरली स्किन निकल जाती है, और ठंडा करके निकालने से बहुत मुश्किल होती है। तो मैं गरम गरम में ही टमाटर की स्किन निकालती हूँ। तो ये मैं टमाटर की स्किन निकाल रही हूँ। अगर आपको कोई सी रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि मैं आपके उस रेसिपी को शेयर करूँ आपके साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और बेल का आइकन जो है उसे दबाने से मेरी रेसिपी आपको इजली मिल जाएगी। ये देखें, मैंने स्किन निकाल दिए, एक टमाटर की स्किन निकाल के मैंने आपको दिखाया है। इजली मैं ऐसी सारे टमाटर की स्किन निकाल दूंगी, फिर मैं आपको उसके बाद बताऊंगी। ये देखें, मैंने सारे टमाटर की स्किन निकाल दी है। अब मैं इसे मैश करूँगी। गरम गरम में अच्छा होता है। ये देखें, मैंने चॉप प्याज भी करके रखा है जो टमाटर की चटनी में जाएगा, ठीक है ना। मैं टमाटर की चटनी में पहले टमाटर को मैश करूंगी, फिर उसके बाद मैं चॉप प्याज डालूंगी। ये देखें, मैंने लहसुन एंड टमाटर को चॉप कर लिया है। अब मैं ये दो लाल मिर्च साबित, इसे मैंने भून लिया है। भून के अब मैं चॉप प्याज के साथ इसे मैं डाल दूंगी टमाटर में, फिर इसे मैं मैश करूंगी ताकि जो ये हमारी साबित लाल मिर्च है वो अच्छी तरीके से चूर हो जाए, मैश हो जाए। और इसमें ये भून के मिर्च डालने से एक अच्छा सा फ्लेवर आता है, टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। मैं इस तरीके से बनाती हूँ। आप किस तरीके से आप किस रेसिपी से बनाते हैं मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दिया करें आप। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये देखें, मैं इसको अच्छी तरीके से मैश कर रही हूँ ताकि जो मिर्च है वो चूर हो के इसमें मिक्स हो जाए। ये मैंने मिक्स के लिए यहाँ पे मैंने ज़ीरा काली मिर्च भून के पीस लिया है, नमक और इमली ऑप्शनल है, स्किप करना है तो स्किप कर ले, मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं डालती हूँ। और ये हरी धनिया मैंने चॉप कर ली है। देन ये रेडी हो गया। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।